नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो सर्वपवित्र जीवन से स्नेक सेवक। तो दोस्तों, हम आए हैं फिर एक छोटी सी कुटिया पे, जहाँ हम आपको दिखाते हैं कौन सा स्नेक है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं। काफ़ी देर तक नज़र बनाए रखे हैं, तो सांप यहीं पे था। 3 घंटे हो गए, कहीं पे गया नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, सांप हमें दिखाई दिया है। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, ब्लैक कोबरा, जहरीला सांप है। तो हम इसे बाहर निकालते हैं। दोस्तों बने रहिए दोस्तों मेरे वीडियो में अंत तक, फिर इसके बारे में जानकारी देंगे आपको। दोस्तों, सांपों की वीडियो के देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें, ताकि सांपों से नई नई वीडियो हम अपलोड करते रहे और जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, काफ़ी डर महसूस कर रहा है, मुझसे ज़्यादा डर रहा है, इसलिए बाहर नहीं आ रहा है। हम उसको बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। इसने कुछ खाया हुआ भी है। तो दोस्तों, ये काफ़ी वेनमस स्नेक है, बहुत ही जहरीला स्नेक है। अगर इसकी बाइट होती है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। बाबा तांत्रिक के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, गलती से भी नहीं। तो काफ़ी आक्रामक हो रहा है दोस्तों ये। हम इस सांप को यहाँ से रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पे छोड़ देंगे। दोस्तों, ये खाया हुआ निकालने की कोशिश कर रहा है, तो हम ज़्यादा परेशान किए इसे। खाया हुआ निकालने की कोशिश कर रहा है। करीब 2:30 बज रहे हैं अभी। आधी रात को भी कोई व्यक्ति फ़ोन लगा देता है, तो हमें जाना पड़ता है इन बेजुबान जानवर की रक्षा करने के लिए। अभी तो हम इसे पैक कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे। दोस्तों, हम इसकी जानकारी सुबह देंगे आपको, ठीक है। दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, इसके बारे में पूरी तरह से मैं आपको जानकारी दूँगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो अभी इस सांप को हमने तो दोस्तों देख सकते हो, काफी बिग साइज का सांप है, बड़ा भी बहुत है। दोस्तों, इसके लिए डिब्बा बड़ा लाना था, पर हमारे पास डिब्बा नहीं था, इसलिए छोटे डिब्बे में भी भरना अच्छा समझा इसको। यहाँ पे बोरी भी नहीं थी जो हम पैक करते इसको, तो इसलिए हमने डिब्बे में पैक कर लिया। ये बड़ी आसानी से आ चुका है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम इसे 10 बजे रिलीज़ करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। डराने की कोशिश कर रहा है उसको।
काटने के लिए दौड़ रहा है तो ऐसा नहीं होता। अब इस सांप को देख सकते हो, ये अपना फूड उठाने की डराने की कोशिश करता है। जब इसको खतरा महसूस होता है तभी सांप काटता है, इसे बिना बताए तो सांप नहीं काटता। सांप देख सकते हो, ये सांप को तो काफी है, 5 फीट का सांप है। तो ये विनम्र इस तरह के जहरीला सांप है, ऐसे सांप को पकड़ने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। मेरी वीडियो देख के सांप को ना पकड़े दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों पीछे से पूरा ब्लैक कलर का है ये। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बिन बजाय सांप को मारे नहीं, ये भी एक बेजुबान जानवर है, इनका भी जीने का अधिकार है। इनसे बहुत सारा मेडिसिन बनता है, इनके ही जहर से, और इनके ही जहर से इंसानों को बचाया जाता है। दोस्तों बिन बजाय तो कोई सा भी सांप काटता नहीं, लोग सांप को देख कर ही डरते हैं। तो हमने उस सांप को रिलीज़ कर दिया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, सांपों से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।